नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं रीना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 जून 2023 से शनि वक्री हो रहे हैं। 30 साल बाद शनि अपनी राशि कुंभ में है और अब उल्टी चाल चलेंगे। इससे मूल त्रिकोण राजयोग बनेगा। चूंकि शनि की वक्री चाल शनि को और जिद्दी बना देती है, इसलिए उसका तुलनात्मक तौर पर ज्यादा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है। यानी कि शनि शुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो उसका असर बढ़ जाएगा। ये वही यदि नकारात्मक फल दे रहे हैं तो उसकी तीव्रता भी बढ़ जाएगी। आज जानते हैं कि शनि की वक्री चाल और केंद्र त्रिकोण राज्य किन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। पहली है मेष राशि। वक्री शनि और केंद्र त्रिकोण राज्य अपनी सारी आर्थिक समस्याएं दूर कर देगा। आपकी आपको धन लाभ होगा। नए स्रोत से आय बढ़ेगी। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार करने वालों को बड़ा लाभ हो सकता है। वृषभ राशि। वक्री शनि वृषभ राशि वालों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग आपको मनचाही नौकरी दिला सकता है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप पद प्रतिष्ठा और पैसा भी बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की शनि की उल्टी चाल विभिन्न क्षेत्रों में लाभ देगी। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपको आर्थिक लाभ होगा। सिंह राशि। वक्री शनि सिंह राशि वालों को लाभ देगा। आर्थिक स्थिति में उछाल देखने को मिलेगा। धन कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे। रुके काम पूरे होंगे। कह सकते हैं कि लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने के लिए समय अच्छा है। मकर राशि। शनि मकर राशि के स्वामी है और शनि वक्री होने से मकर राशि वालों को लाभ होगा। आपको धन लाभ होगा। पैसे कमाने के नए तरीके आजमाएंगे और उसमें सफल होंगे। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और करियर के लिए भी समय लाभकारी रहेगा। अगर आप भी है इनमें से एक तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।